बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुल्ला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। हल्की हल्की धुंध है और सूरज जो है ना अभी तलू हुआ है और सही सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। अभी मुंह से धुआं भी निकल रहा भाई साहब। अगर खाना खाते हुए आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए खाना छोड़ दें क्योंकि जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ ना हो सकता है आपका दिल खराब हो, तो ब्रेक ले लें छोटी सी। ये हमारी सीढ़ियां हैं और ये जो एरिया है ना ये किसी बिल्ली का फेवरेट एरिया भाई साहब। जब भी उसने पोटी करनी होती है ना वो यहाँ ही आती है। मतलब इतनी गंदी स्मेल आती है ना इसकी, क्या बताऊं। वो अभी भी की हुई है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो, उसने इधर आना ही आना। रात में आती है करके गायब, रात में आती है करके गायब। ये थोड़ी सी जगह जो है ना यही उसने चूज की हुई है, पता नहीं क्या हुआ। अम्मी जान ने की है शॉपिंग अपने लिए। ये शूज खरीदे हुए हैं अपने लिए अम्मी जान ने और ये है 2500 के और अम्मी जान कहती है की बहुत महंगे मैंने खरीद लिए हुए हैं। हाँ जी अबू जी, 2500 के शूज महंगे ने? आहो पुत्र साडे लिए ते महंगे ही ना यार, इंज ना करे करो यार। नहीं ठीक है गल, वक्त वक्त दी गल, वक्त भी सस्ते होंगे सन। साडा जो दौर सी ना जो तुहानू लैके शॉपिंग करके ते मां तुहाडी शॉपिंग करदी सी उदों भाई दौर भी इहो जिहे होंदे सन, 300 दी 400 दी 500 दी। हां पर हुण दौर अबू जी नहीं ना, दौर बदली हो गया। हां जी हुण जिथे सी 500 दी उथे 5000 दी है। हां जी ते ओह फिर सानू ते फर्क लगणा ही लगणा। एक चीज मैंने नोट की है, दुपट्टा जो है ना ऐसे लिया जाता है, इसके नीचे से पता नहीं कैसे ऐसे कर कोंड को कोंड भी निकाल के दिखाए ना, जैसे पहले वक्तों में विलजीज की खवातीन कोंड निकाला करती थी कोंड। हाँ जब कोई गैर मर्द घर में आता था ना तो खवातीन ऐसे कुंड जो है वो निकाल लेती थी ऐसे। अब तो ऐसा खैर देखने को नहीं मिलता लेकिन पहले हुआ करता था। दुपट्टा लेने नहीं आया तो यार दैट इज नॉट इम्प्रेसिव दसर सदीक। ये जी मेरे लिए स्पेशल सिस्टर के घर से साग आया है। अभी अम्मी जान जो है ना बड़े ही जबरदस्त तरीके के साथ साग तड़क के देंगी मुझे। बचपन में मैं अपने साथ टिफिन में बंद करके स्कूल साग लेके जाता था और टीचर जो थी ना वो मेरे साथ बैठ के फिर लंच किया गया, शेयर होता था मेरा टिफिन। अम्मी जान इतना जबरदस्त साग बनाती है ना कमाल। अभी अम्मी जान जो है वो साग तड़केंगी, मैं और भाई जो है नाश्ता साग से करेंगे। तुहाडी साग दा लेवल आए हाय हाय, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, साग तड़को हो गया अपना, स्वाद आएगा बादशाह हुण खान दा। अल्हम्दुलिल्लाह जी अम्मी जान ने साग तड़क दिया है माशाल्लाह, यमी यमी साग। या तो रोटी में डाल के खाने का मजा आता है या ऐसे बीच में फ्राई पैन के बीच में ही खाने का मजा आता है भाई साहब। हाय 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 हाय। और उसके अलावा रोटी अगर रात की हो ना तो उसके साथ साथ साग खाने का और मजा आता है, लेकिन रोटी अपनी ताजा है। आपको साग पसंद है कि नहीं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये मलाई अम्मी जान ने सेव की हुई है और इधर मशीन में जनाब मक्खन निकाला जा रहा है। अभी अभी आपको बंद करके दिखाता हूँ मैं। ये अभी इसमें पानी डालना पड़ेगा ठंडा, बड़े मसले मसाइल होते हैं फिर जाके कहीं मक्खन निकलता है, और फिर जब मक्खन को गर्म करते हैं ना फिर इसमें से निकलता है देसी घी। अम्मी जान एक बात बताना चाह रही हैं जी। अम्मी जान किथे जा रहे हैं, किथे जा रहे हैं? माशाल्लाह जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी जैन भाई का रिश्ता जो है वो हो चुका है, अभी शॉपिंग करने आ जाएंगे हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी शर्म आंदी भी है। रिश्ता पक्का हो जाएगा कपड़े दे के कपड़े सर्दियां सूट जो गल पक्की हो गई पक्की मतलब पक्की फिर जनाब बनता साडा कपड़े देने बनते नहीं साडे सर्दियां ने जदों हाडी आ उती ते माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सभी भाई जैन भाई को, सभी व्यूअर्स जो हैं जैन भाई को कांग्रेचुलेशंस लिखें। हंस गया मुंडा, फाइनली फाइनली जिसका था इंतजार वो घड़ी आने वाली है। इतने मैसेज मुझे आते थे जैन भाई शादी कदू कर रहे हो, कदू ब्याह है तुम्हारा, बस आ रहे ये साल ले भी नहीं पता कदू है। हमें हमें आपसे हमें भी बहुत ज्यादा आते थे ये, मुझे भी नहीं पता कि शादी कब है, लेकिन टारगेट लग गया।
सर्दियों के कपड़े हम जो है ना देने जा रहे हैं, जब रिश्ता हो जाता है ना तो लड़की को जो है ना वो जब भी कोई त्योहार आता है या मौसम चेंज होता है तो कपड़े दिए जाते हैं। आपकी तरफ है ऐसी चीज है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारी तरफ है। तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं तो अम्मी जान जो है ना वो चाहती हैं कि अपनी होने वाली बहू के लिए गर्म कपड़े लेके जाएं। तो जूती का साइज नहीं, मतलब पाँव का साइज नहीं है तो जूता तो हम नहीं ले सकेंगे, लेकिन जब अम्मी लोग जाएंगे ना कपड़े देने के लिए तो फिर साइज ले आएंगे, फिर जब नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो फिर जूते वगैरह भी ले जाएंगे। अभी ये सारा माजरा है। अच्छा, और नाम भी तजवीज कर दिया गया है, जैन की परी। जैन की परी ये बात ये अम्मा ने हमारे की तरफ तजवीज, तो छोटी मेरी परी, जैन की परी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आए खुशी से खराब हो गया। फाइनली जी ब्याह हो लगे मुंडे का, कदम हो रहा है, मेनू भी नहीं पता। अभी मेरी एंगेजमेंट भी नहीं हुई, मंगनी नहीं हुई है अभी। उनको मतलब मैं पसंद हूँ और इनको वो पसंद है, तो बात खत्म। बाकी मंगनी वगैरह जो है वो कब होगी, शादी कब होगी, कोई आइडिया नहीं है अभी। मेरे नाल जाना है शॉपिंग करने, काके भाई नाल अपनी बूटी की शॉपिंग करांगे जेहड़े तन्नू भी सोहने लगन, आपका नॉलेज जो है ना वो हम थोड़ा लेंगे, मतलब जितनी भी आपने आला तलीम हासिल की है शादी को लेके उन सारे शेयर कर दो थोड़ी थोड़ी करके। एक लड़का जो है ना वो आया हमारे घर, ये मेरे साथ इस वक्त बैठा हुआ है, इसको तो पता है मेरा रिश्ता हो गया हुआ है। आपको लेट बताया, बाकी अंदरों अंदर काम पे आ गया था। अभी मैं जा रहा हूँ सिस्टर के घर, हमारे साथ शॉपिंग के लिए सिस्टर की बेटी भी जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सिस्टर के हाँ मैं पहुंच चुका हूँ। तो ये है तुम्हें लगनी है, पहले मैंने दस अच्छा बांजी लगती है मेरी, ओदा मुंडा मैं पोले जाना ना अक्सर, बांजी लगती हूँ मैं शहजादा मेरा। ये जी मेरी भांजी का बेटा है। यार राती मैं आया था, मेरे को नहीं आंदा वा, रोंदा ही मेरे अलवे के, हुन मेरे को आ गया। अभी सोया हुआ था ना, सो के उठा है, मोबाइल लेना है? नहीं मामा चाहिए दिया ना। आ जाए। क्या टाइमिंग होती है मेरी और भाई मुदस्सर की। भाई मुदस्सर इधर से दूध लेने निकलते हैं और कुदरती तौर पे मैं दूसरे घर से निकल आता हूँ, फटे जाते ने हर दफा। अभी भी दूध लेने जा रहे हैं। यार ये आम दिनों में नहीं होता, जब मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ ना ज्यादा होता तब। जब इंशाल्लाह जैन भाई की शादी होगी उधर शिफ्ट होंगे ना, ये ड्यूटी इनको दी जाएगी इंशाल्लाह। यार मेरा भी लाया करे, मेरे लिए भी यार ऐवें फिर तुसीं लियाए करे। यार प्रोटोकॉल दे दवो, नवा नवा ब्याह होना है। चलो एक महीना दे लांगे, उसके बाद नहीं, तीन महीने का पैकेज। चलो टाइम लगा दे। चलो ठीक है। माशाल्लाह जी ये अम्मी जान ने लहसुन काश्त किया था और अभी देखें कितना बड़ा हो गया हुआ है लहसुन, और इस तरफ धनिया देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मेरे भाई दूध लेके आ गए, दूध लेके आ गए, दोधी भाई आ गए, दोधी भाई आ गए, दोधी भाई आ गए। और हमारी यस ये बात, और हमारी गाड़ी की हालत जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब है। कुछ दिन पहले हुई थी बारिश, तो बारिश में मुझे गाड़ी को निकालना पड़ गया था बाहर। बारिश में इस पे मतलब कीचड़ पड़ा बहुत ज्यादा, और फिर कीचड़ के बाद ना बच्चों ने ऊपर हाथ फेरे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं क्या बना दिया हुआ है गाड़ी को यार। तो इसको भी धुलवाना है, पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है यार। धूप में आओ ना तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है, अभी जैकेट के अंदर पसीना आ रहा है मुझे, और छांव में जाओ तो ठंड लगना शुरू हो जाती है। अभी मैं घर वालों का इंतजार कर रहा हूँ, घर वाले जो है ना वो आते हैं फिर गाड़ी लेके निकलते हैं। सकलैन भाई और भाई मुदस्सर जो है ना ये भी जाने वाले हैं, लेकिन ये दूसरी गाड़ी में जाएंगे। अभी सकलैन भाई अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, भाई मुदस्सर अपनी, वो इनकी मर्जी है। माशाल्लाह जी अम्मी जान रेडी होके आ गई हैं। अम्मी जान ने आज लगानी है दौड़, और स्केचर्स पहन के आई हैं अम्मी जान, तो आड़ी खैर ते बेड़े पार। हां जी मां जी की कहना चाह रहे हो? मैं क्या कश्यप नु नाल ले जाने, उधर सोनिया नाल ले लेने ना, कि सारे दी पसंद होए। कश्यप नु मैं ले आया ना। हां ठीक है। हां ते ओनु ले लिए कश्यप नु, ओनु सोनिया नाल लेना है। आ फोन कर ले ओनु ते वो भी आ जाए बाहर, कपड़े सोने खरीदे जान माड़े नाल। फाइनली जी निकलने का टाइम हो चुका है, खोलते हैं गाड़ी को। वो सामने अम्मी जान बैठी हुई हैं, आ ही नहीं रहे। राणा साहब आ गए ने,
भाई जान ने भी अपनी टार्जन निकाली है बाहर। ते मां जी की नाल लै के आयो? चावल मैं कल खादी नहीं रोटी, मैं अज खानी खानी जानी है। इस गाड़ी में नहीं बैठी है तो आज मेरी छोटी सिस्टर जो है ना वो सबसे पहले बैठेंगी। उनको भी अभी गाँव से निकल के ना कॉल करनी है कि वो बाहर आ जाए। माँ जी ये थोड़े वास्ते पानी, खुला पियो, पानी पीवो भी पियाओ भी। अम्मी जान खा रही थी चावल तो अम्मी जान को चाहिए था पानी, तो अभी दुकान से पानी लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं। इस गांव के बाद जो गांव आएगा ना वो सिस्टर का है, वहां से सिस्टर को अपने साथ लेना है। और मैंने चश्मे लगा लिए हैं क्योंकि धूप पता नहीं क्यों आंखों में बहुत चुभ रही थी, तो अभी चश्मे लगाए हैं ना तो सुकून मिल गया। अम्मी जान ने जितने चावल थे खा लिए हैं, बाकी ये पीछे बच गए हैं। अभी अम्मी जान जो है ना मुझे खिला रही है चावल। बिस्मिल्लाह मां जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलिए जी मोहम्मद मूसा से। अगर आपको याद हो मेरी सिस्टर का एक बेटा जकी है, तो जकी का ये छोटा भाई है, यानी मेरी सिस्टर का बेटा ये मूसा, ये भी जा रहा है हमारे साथ शॉपिंग के लिए। आए शहजादा कैसा लगा नवी गड्डी च बह के? मजा ही आया। नवी गड्डी चलेगी तो फिर पता चलेगा कैसा लगा। मैं बह के पूछा, मैं नहीं चलती किस तरह बह के लगा जी। खुली खुली जगह पे बह गए, बहुत मजेदार कंफर्टेबल। कैसा लगा मामू की गाड़ी में बैठ के भाई, बताएं जल्दी से। बहुत प्यारी गड्डी मामू जान की। अल्हम्दुलिल्लाह जी वी मॉल पहुंच चुके हैं। शॉप्स अभी ओपन ही हुई हैं कि हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं है, लेकिन यहाँ से हमने शॉपिंग नहीं करनी, आज दूसरी जगह पे जाना है। तो सबसे पहले निशाद से जाके करेंगे शॉपिंग। अंदर हम आ चुके हैं, इतनी सारी ऑप्शंस हैं। अभी यहाँ से भी अगर घर वालों को कुछ पसंद ना आए तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी मुझे नहीं पता मेरी होने वाली जो वो हैं उनके लिए भाई साहब ये सूट मैंने पसंद किया। मुझे ये थोड़ा ना यूनिक लगा, अभी पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये वाला। ओवरऑल देखें तो ये डिज़ाइन है, तो मैंने ये एक सूट निकलवा लिया। वैसे घर वालों ने अभी तक ना दो सूट पसंद किए हैं, एक मेरे होने वाली जो वो हैं उनकी जो वालदा हैं उनके लिए लिया है, और एक मेरी होने वाली जो वो हैं उनके लिए ये मैंने लिया है। घर वाले जो है ना वो जरा सुकून से देख रहे हैं, मैं अगर इनकी जगह होता ना जितने सूट लेने थे ना अब तक मे भी मैं ले चुका होता। अभी काट दो वो जी, एक अमीर पसंद आ गया होना है जबरदस्त। ये भी एक निकाल लें, चौथा सूट भी पसंद आ गया जी ये वाला। पहले तो ये कह रहे थे साथ ही माइंड चेंज हुआ है और ये हो गया, और ये मेरी जैकेट से थोड़ा मिलता जुलता कलर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निशाद से हो चुकी है अपनी शॉपिंग, और स्पीड में जी 44,000 रुपये लगा दिया गया, और आई थिंक 4-5 सूट लिए हैं, तो अभी और भी कुछ लेने हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, सामने है खादी, वो जो हमारी वो है ना उनके लिए भी परफ्यूम देख रहे हैं। सिस्टर ने भी लेनी है, और हमारी जो वो है उनके लिए भी अभी परफ्यूम देखी जा रही है। ये आपके लिए, ये उनके लिए भाई जानी, एक ये करनी है और एक ये करनी है। मेरी जो वो हैं उनके लिए मैंने ना सुइयां, इनको बोल दें हम, वो लिए मुझे ये कलरफुल काफ़ी अच्छी लगी, मैंने उठा ली हैं तीन ये इधर से। हमारी जो वो हैं उनके लिए, इसमें ना बड़ी पैकिंग नहीं है, ये छोटी पैकिंग है, तो फिर मैंने ना जो सिस्टर ने पसंद की है ना यही ले रहा हूँ, ये दो लेंगे अभी हम। खादी से कोई कपड़े इतने पसंद आए नहीं, ये परफ्यूम्स बेहतर लगी हैं, और वो सुइयां जो है ना वो ले ली हैं, दैट्स इट, और कुछ लिया नहीं है। भाई जान ये भाई मुबशर का फ़ोन है, इसकी स्क्रीन ना बीच में मसला करना शुरू हो जाती है, अभी ठीक है भाई मुबशर चेक करवा रहे थे, बीच में ना वाइट हो जाती है, बीच में सही हो जाती है, कभी स्टार्ट किया कर लेते हैं। तो ये फ़ोन रखे हमने पास, तो ये रही मेरी गाड़ी की चाबी, गाड़ी को ना इतना, और मेरे पास टार्जन की यानी भाई दसरे की गाड़ी की चाबी आ गई है। गाड़ी को अच्छी तरह से साफ करवाना है, पीछे कपड़े पड़े हुए हैं वो निकाल लीजिएगा, क्योंकि बतख रखी थी ना आपने बीठे बिठा भी नहीं किते, हाँ तो वो सही से सफाई अंदर बाहर से ज़रा, और दरवाज़ों की जो साइडें हैं ना उनमें रेत है, तो फिर ना वो जब गाड़ी चलती है तो दरवाजे की अजीब सी आवाज़ आती क्रिच क्रिच की, वो भी देख लें। ओके सर, और जल्दी आ जाएँ। खाना आपने खा लिया? भाई मुदस्सर और सकलैन भाई मेरी गाड़ी लेके जा रहे हैं, इसकी हालत आप देख ही सकते हैं, बहुत गंदी हालत है, तो अभी चमको आगे ले आके आएंगे। गाड़ी अभी भाई मुदस्सर की है मेरे पास, और सकलैन भाई ने, भाई मुदस्सर ने बीच में बैठ के ना बिरयानी खाई हुई है, ये पसंद आई है, काला रंग तो मैंने दूरों के पसंद आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली शॉपिंग हो गई है भाई साहब, बहुत महंगाई हो गई हुई है, करना किसी ने क्या है। तो अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट पे, दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है, तो घर वालों के साथ जो है ना वो लंच करते हैं और फिर निकलेंगे हम घर को। तब तक उम्मीद है कि भाई मुदस्सर लोग जो है ना गाड़ी बुलवा के ले आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी रेस्टोरेंट पे आके बैठ चुके हैं। मां जी की कर देवे हो
अम्मी जान ने शोर मचाया हुआ रेस्टोरेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना खाना आ चुका है। ये हॉट एंड सॉर सूप, क्रैकर्स और इधर हनी विंग्स, ये भी मुझे बहुत मजे के लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाकी खाना भी अपना आ चुका है। इधर रहा चिकन मंचूरियन, फ्राइड राइस रहे, और ये रहा जी अपना बारबेक्यू का प्लेटर। गाड़ी अपनी धुल के आ गई है। अभी ये जो खाना हमने मंगवाया है ना, सूप हमने बचा के रखा हुआ था वो दिया है, और ये जो खाना है ना, इसमें से कुछ भाइयों के साथ हम शेयर कर देंगे। वैसे इन्होंने बिरयानी खाई हुई है। घर जाने से पहले घर वालों को टर्किश आइसक्रीम खिलाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे घर। या ये टर्किश वाले तो अभी ओपन हो रहे हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है। वो आगे रॉयल कुल्फी वाले कुछ करके हैं, उनके पास चलते हैं। अभी रॉयल कुल्फी भी आए हैं, यहाँ से कुल्फियाँ ली हैं। कितने हो गए? दो रसमलाई ली हैं मैंने, और एक बादामी कुल्फी ली है, और एक कुल्फा कप ली है। बहुत शुक्रिया भाई जान। भाई साहब, वापसी पे इतनी ज्यादा मुझे नींद आ रही थी ना ड्राइविंग करते हुए कि क्या बताऊं। अभी उतरा हूं ना तो थोड़ा होश आया है। रात के 12 से ऊपर टाइम हो रहा है, सब घर वाले सोए हुए हैं, मैं भी सोया हुआ था। थोड़ी देर पहले मेरी आंख खुली है, मतलब मैं 6 बजे के करीब सो गया था, और 10 बजे के करीब उठा हूं और वीडियो वगैरह एडिट की, और अभी मुझे नींद नहीं आ रही। तो अम्मी जान ने मुझे शाम को बोला था कि ज़ैन गीजर ऑन कर देना। तो आज का व्लॉग जो है ना, वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैन व्लॉग के दिन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।